अस्सलामुअलैकुम। मैं इस वक्त आर्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में हूँ और हमारे दरमियान हमारे बहुत अच्छे भाई ज़ाहिद शाह साहब हैं, जो डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, मुसन्निफ हैं, हदायतकार हैं। और हमारे यहाँ जो पाकिस्तान में जो सबसे खूबसूरत जो फैमिली ड्रामे जो उन्होंने दिए हैं और बड़ी कास्ट के ड्रामे दिए हैं, ये इन्होंने दिए हैं। खुद बेहतरीन ड्रामे लिखे हैं और इनके ड्रामे जो है ना गारंटी है फैमिली के लिए, और यानी फैमिली आँख बंद करके इनके ड्रामे आती है। जैद भाई, ये भी जो ड्रामा कब कर रहे हैं और कितने दिन का हो रहा है यहाँ पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम तमाम सुनने वालों को, ज़ाहिद शाह का प्यार भरा सलाम। जी, ये ड्रामा है 29, 30, 31 मई को, यानी कि हम अभी मई के महीने में बैठे हैं और इस वक्त हम बैठे हुए हैं आर्ट काउंसिल कराची। और ड्रामे का नाम है उर्दू फैमिली मजाहिया ड्रामा महंगाई ने मारा। जैसा कि आप जानते हैं, महंगाई पूरी दुनिया में इस वक्त अरूज पर है, और महंगाई के हवाले से हमने जो इसमें जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो उजागर की हैं। और कोशिश करी है कि कॉमेडी में रहकर और कॉमेडी अंदाज में हम महंगाई को भी उजागर करें, उस मसाइल को भी बताएं, लोगों के परेशानियों को भी दिखाएं और इसलाह भी करें और मैसेज भी हो। और मैसेज इसमें एक और भी है हमारा, जो कि बंटवारे के हिसाब से, जैसे घरों में आप अक्सर देख रहे हैं कि बड़ी फैमिली होती है तो वहाँ पर नोक झोंक होती है बहू सास में, और आखिर जो आपस में जो देवरानी होती है उनमें भी होती है, उसमें भी हमने थोड़ा थोड़ा सा वो सब्जेक्ट भी उजागर किया है, वो भी आपको दिखाएंगे। तो 29, 30, 31 को ड्रामा है हमारा महंगाई ने मारा, आर्ट काउंसिल कराची ऑडिटोरियम 2 में है। ये ऑडिटोरियम 2 एयर कंडीशन हॉल है, बहुत मज़े का ड्रामा है, बड़ा फनी ड्रामा है। जब आप इसको देखेंगे तो आपको मज़ा आएगा। मेरे साथ जो बैठे हुए मेरे बड़े भाई हैं शबीर भाई, शबीर भाई ने हमेशा पिछले कोई 12-13 सालों से, बल्कि ज़्यादा हुए होंगे, हमेशा मेरे साथ तावन किया है और मेरे साथ हमेशा खड़े रहे बड़े भाइयों की तरह। और जब भी कोई प्ले किया है तो इन्होंने कहा है कि ज़ाहिद भाई मेरे लिए बताओ क्या काम है, तो हमेशा इन्होंने मेरी पसीराई की, हमेशा हौसला अफजाई की है। तो मैं चाहता हूँ कि शबीर भाई जैसे लोग हमारे यहाँ होने चाहिए कि जो हौसला अफजाई करें। पैसा ही सारी चीज़ नहीं होती है, एक प्यार और मोहब्बत और हौसला अफजाई और सरपरस्ती भी बड़ी चीज़ होती है। तो ये हमारे सरपरस्त हैं भाई, ये हमारा बड़ा ख्याल रखते हैं। बड़ी भाई और देखिए, आपके प्रोग्राम ऐसे होते हैं फैमिली के, तो मैंने इनके हर ड्रामे में एक शो मेरी अपनी जो ऑडियंस है मेरी फैमिली है उनके लिए मैंने इनसे लिया है, जिसमें मेरा सेपरेट शो है और जिसमें फैमिली आती है यहाँ जितनी भी है। तो ज़ाहिद भाई के ड्रामे देख के फिर मुझे वो रिमाइंड कराते हैं कि भाई अब वो ड्रामा दोबारा कब करेंगे। कितने ड्रामे कर दिए ज़ाहिद भाई आपने यहाँ पे? ज़ाहिद भाई, दूसरी बात है कि आपने तो कमाल ये कर दिया है कि आपने स्टेज पे ओरिजिनल ट्रेन एक तरह से सेट लगाया था कि ट्रेन आती है और उसमें आप उतरते हैं। कितनी मेगा कॉस्ट के अपने ड्रामे के, वो क्या प्ले था जिसको हमने भी किया था ये? सर, वो प्ले था मेरा स्टेशन और 21 दिन का प्ले था और उसको दुनिया भर में पसीराई मिली। सेट जो मैंने लगाया था वो ऐसा लगाया था कि उसकी कंटिन्यूटी मिलाई थी, ढाबे जी का एक सेट, ढाबे जी का रेल जो स्टेशन था ना उससे ट्रेन चलती है, तो ट्रेन यहाँ के कराची सिटी स्टेशन पे या कैंट पे रुकती है, तो वो मैंने सिटी स्टेशन का यहाँ पर पूरा एक जो है सेट बनाया था। तो वो ऐसा लगता था कि जैसे सिटी स्टेशन पे आकर ट्रेन रुकती है, फिर पूरा कैंट स्टेशन लगता था। आपने बाकायदा स्टेशन जैसा बनाया था, सिटी या कैंट स्टेशन आप ले लें, बिल्कुल ऐसा स्टेशन, पूरा स्टेशन जो है वो आपका लगता था कि जैसे ट्रेन आगे खड़ी हो रही है। और स्टेशन से बाहर निकलते थे तो सेट के ऊपर 4 ढाबे लगे हुए थे, खाने का, चाय का, कोल्ड ड्रिंक का, जिस तरह के आप देखते हैं स्टेशन पे अक्सर आपको वो ठेले, वो जो ढाबे लगे होते हैं, तो वो पूरा माहौल था। और वो ज़बरदस्त उसमें कॉमेडियन थे 4, और बहुत ही जो है वो रऊफ लाला, शकील सिद्दीकी, सारे यहाँ तो कोई कास्ट ऐसी नहीं है जो आपके ड्रामों में नहीं काम किया। जान रेम्बो ने भी काम किया था आपके प्ले में? सर, मैंने कहा जान रेम्बो फिल्म स्टार, फिल्म स्टार मैडम संगीता, फिल्म स्टार लायला आगा, फिल्म स्टार नरकेश, नसीम विकी फिल्म स्टार, इसके अलावा शफकत चीमा फिल्म स्टार, दीगर बेशुमार कास्ट है सर फिल्मों की जिन्होंने यहाँ मेरे पास मेरी डायरेक्शन में यहाँ काम किया है। माशाल्लाह, बिल्कुल बहुत बहुत ज़बरदस्त। ज़ाहिद भाई, आपने बहुत अच्छे प्रोग्राम किए इंशाल्लाह। आपके वो दोस्त का नाम बोल दिया जो है आपने मुझे अक्सर आप जिक्र करते हैं मुझसे, अमरीका में जो आपका दोस्त वो है एम के शिराजी, बड़ा आपकी मकसद एम के शिराजी साहब, जरा क्लोज करें मित्र। एम के शिराजी साहब, पहले तो मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि मैं जब भी मेरी बात होती है ना शबीर भाई से तो आपका जिक्र ज़रूर आता है,
कि जी शराजी भाई जो है एम के शराजी भाई वो मेरा बड़ा साथ देते हैं और मेरे साथ खड़े होते हैं और आर्टिस्ट लवर हैं, बल्कि मैं यूँ कहूँगा कि आप आर्टिस्टों के दिल दादा हैं। सर आपको सलूट है कि आप मतलब वहाँ इंडिया में हमारे आर्ट को प्रमोट कर रहे हैं, आर्टिस्टों को प्रमोट कर रहे हैं अमेरिका में। तो अमेरिका में आप रह करके आप पाकिस्तानियों को इतना लाइक करते हैं और हमारे थिएटरों को लाइक करते हैं, हमारी फिल्म टीवी तमाम शोबों को। तो मैं जी शराजी साहब आपको शराजी तहसीन पेश करता हूँ और इंशाल्लाह ज़रूर मैं अपने भाई के साथ शब्बीर के साथ इंशाल्लाह ज़रूर मैं अमेरिका आऊँगा, आपसे मुलाकात होगी और प्रोग्राम भी करेंगे इंशाल्लाह ज़रूर। और यहाँ शराजी साहब आएंगे तो मैं इनकी बाकायदा प्योर गोल्ड की ताजपोशी करूँगा सर, उसमें मैं आपके साथ सारे यहाँ के फनकार जो है ताकि पता चले कि बिल्कुल जी हम ट्रिब्यूट देंगे। बिल्कुल जी शराजी साहब आपको हम बिल्कुल यहाँ ट्रिब्यूट देंगे और ज़बरदस्त ट्रिब्यूट देंगे, इंशाल्लाह आपको मजा आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू। पिछले 15-16 सालों से मेरे साथ जुड़े हुए हैं और हर ड्रामे में आपका पार्टिसिपेट होता है, तो मैं चाहूंगा कि तालियां हो शब्बीर भाई के लिए। शब्बीर मेमन भाई जो है इस वक्त अमेरिका में थे, अमेरिका से अभी यहाँ आए। और एक और हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं मेरे, हर ड्रामो में रहते हैं सरपरस्ते आला सदीक राजा भाई, मैं चाहूंगा कि वो भी स्टेज भी मौजूद तमाम मौजूद मेहमान और हाल में मौजूद भी सब हो। शाह साहब के जो ड्रामे हैं जाहिद भाई के, वो फैमिली को आप लाके दिखा सकते हैं, कोई वल्गरिटीज में नहीं होती, आप फैमिली के तमाम फर्द के साथ बैठ के देख सकते हैं कि ये तो आपने इस ड्रामा देख के अंदाजा होगा। जाहिद शाह ने जितने भी ड्रामे किए, तो यहाँ जब मैं कराची में था, हमारे ई कम्युनिटी इंटरटेनमेंट यूएसए की जानिब से, और चूंकि यूएसए में अखबार भी निकालता हूँ, तो उसकी जानिब से जाहिद शाह को जो है समीउद्दीन सिद्दीकी साहब अपने दस्ते मुबारक से जाहिद शाह की खिदमत में, क्योंकि ये जुनूनी आदमी है, यकीन करें ये बाकी आप ऊपर आइए ना, ये जुनूनी आदमी है जाहिद शाह। मैं इनको 15-20 साल से जानता हूँ और हर ड्रामे में, तो इनकी खिदमत में भरपूर तालियां, क्योंकि ये आदमी जिस तरह मेहनत करते हैं डायरेक्शन में, हदायत में, अदाकारी में, इसका जवाब नहीं। और रजा ऊपर आ जाए तो ये कि बहुत जबरदस्त काम करने वाले, आप भरपूर तालियां अदा करें माशाल्लाह। बहुत 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 शुक्रिया जाहिद भाई, बड़ी थैंक यू सो मच।